उठो चराग उठाओ ये आपदा जलाए, जरा कदम तो उठाओ ये एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। उठ जाओ, सूरज सर पे चढ़ाया। क्या हुआ सुबह सुबह अल्लाह क्यों कर रही है, क्या मुसीबत आ गई है? मुझे काम पे जाने पे देरी हो रही है, और तुम? और मैं क्या, अब सोने और उठने के लिए भी तुझसे पूछना पड़ेगा? अरे ठीक है, अब तू काम करने लगी है, पर ये मत भूल कि घर का मालिक अब भी मैं ही हूं। ये आप क्या कह रहे हो? अच्छा चलो, अब खुशी को संभालो तो मैं जाऊं, वैसे ही बहुत देर हो गई है आज। हाँ संभालूंगा उसे, तू जा। आपने फिर से पी? हाँ वो रात को थोड़ी सी। वैसे जिंदगी में कम मुसीबतें हैं जो आप फिर से। अरे मन किया तो पी ली थोड़ी सी, आप क्या फांसी दे देगी? थोड़ा धीमे बोलो, वो सो रही है। और ये रोज रोज मुसीबत मुसीबत किसे सुनाती है तू? हाँ पूरी जिंदगी कमा कर खिलाता आया हूँ, दो चार दिन खाली बैठना पड़ा तो आंखें दिखा रही है। मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा तुम अब हाथ मुंह धो के खुशी को संभालो तो मैं चलूँ, वैसे ही बहुत देर हो गई है आज। मैंने खाना बना दिया है, खुशी और तुम्हारे लिए अलग अलग ढक कर भी रख दिया है, और खुशी के लिए अपना दूध भी रखा है, उसे पिलाना मत भूलना। हाँ हाँ पता है, खुशी को दिन भर में 5 बार खाना खिलाना है, मैं खिला दूंगा उसे, तू जा। और मेम साहब से पैसों के बारे में बात कर लियो, 1 महीना हो गया तुझे बड़े घर में काम करते हुए, हिसाब हमेशा साफ रहना चाहिए, समझी? और आज पैसे लेकर ही आना। अब तू जा, मैं इसे संभाल लूंगा, अब जा। राजू दिखा तो मास्टर जी ने तुझे क्या दिया है। अरे गुड़िया, मास्टर जी ने इस बार मेरी कॉपी में बहुत अच्छा लिखा है। सच दिखा। इस बार मास्टर जी ने तेरी कॉपी में क्या लिखा है मीना? मुझे मास्टर जी ने इस बार अच्छा दिया है। क्यों? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं, दोनों कॉपियों में काम तो तूने ही किया है ना, फिर भी मास्टर जी ने राजू को बहुत अच्छा और तुझे सब अच्छा। तो क्या हुआ, अगली बार में दोनों कॉपियों में और भी अच्छा करूंगी, फिर देख लेना मास्टर जी हम दोनों को ही बहुत अच्छा देंगे। मीना राजू की कॉपी में काम तुमने किया था? मैंने तो सिर्फ उसकी थोड़ी सी मदद की थी। छूट छूट छूट, मास्टर जी राजू का सारा काम तो मीना ही करती है। शाबाश चीकू, पर मैंने तो सवाल मीना से किया था, जिससे सवाल किया जाता है जवाब भी वो ही देता है मास्टर जी। शाबाश राजू, तुम्हारा सारा काम मीना करती है? बोल बोल राजू, मास्टर जी कुछ। चीकू वो मास्टर जी। चीकू बेटा, तुम बाहर जाकर सबको खो खो खिलाओगे? जी मास्टर जी। तो ठीक है, फिर देर किस बात की? राजू मीना तुम दोनों यहीं रुको।
एक बार की बात है मीना, जंगल में एक मेहनती शेर था और एक था चालाक कामचोर गीदड़। आप कहानी सुना रहे मास्टर जी? तो वो जो गीदड़ था वो हमेशा अपनी झोपड़ी में बैठा रहता था, कोई काम नहीं करता था, बस हमेशा यही सोचता रहता था कि काश कोई अपना खाना लेकर आ जाए और मैं खा जाऊं। जानवर गीदड़ की इस आदत से बहुत परेशान भी थे, और दूसरी तरफ था जंगल का राजा मेहनती शेर, जो अपना काम खुद करता था। वो कभी किसी का खाना नहीं खाता था, वो अपना शिकार खुद करता और फिर खुद उसे खाता। तभी तो वो शेर था। हाँ, तभी तो वो शेर था। फिर एक बार गीदड़ से परेशान हो चुके जानवरों ने एक मीटिंग की, जिसमें यह फैसला हुआ कि कोई भी जानवर अपना खाना किसी को नहीं देगा, सब अपना भोजन खुद लाएंगे। अब जब यह नियम बन गया तो गीदड़ क्या करे राजू, शिकार की तो उसे आदत ही नहीं थी, वो तो बस दूसरों की मेहनत पर अपना हाथ साफ करना जानता था। अब वो अपनी झोपड़ी में बैठा रहता पर कोई भी जानवर उसे अपना खाना नहीं देता, शिकार पर जाता तो उसे शिकार नहीं होता। फिर क्या हुआ मास्टर जी? फिर एक दिन वो कामचोर गीदड़ भूख के मारे मर गया। क्या सोच रहे राजू? मास्टर जी, गीदड़ अगर अपना काम पहले से ही करता तो नहीं मरता ना। अच्छा राजू, ये बताओ तुम गीदड़ बनोगे या शेर? शेर मास्टर जी। फिर तो तुम्हें अपना सारा काम खुद ही करना पड़ेगा। करूंगा मास्टर जी, मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ, लेकिन मीना सारा काम जल्दी जल्दी कर देती है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आता, याद भी नहीं रहता। राजू तुम्हें वो याद है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। मतलब बार बार कोशिश करने से सब काम हो जाते हैं, जैसे रस्सी के बार बार घिसने से पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। शाबाश राजू। अरे सुनिए, आपने सुनैली को देखा है आज कहीं? नहीं तो, क्यों, क्या हो गया? कुछ खास नहीं, मैडम की सवारी आज बड़े घर अभी तक नहीं पहुंची। ओह गॉड, ये लोग भी ना, जॉब कमिटमेंट तो है ही नहीं। कोई काम आ गया होगा उसे, वैसे सुनहरी बहुत ही अच्छी और भली औरत है, जानबूझकर तो वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मुझे उसकी भलाई से नहीं, उसके काम से मतलब है। जब नौकरी चाहिए होती है तो हाथ पैर जोड़ते हैं, और जब मिल जाती है तो इनके नाटक शुरू हो जाते हैं। माफ कर दीजिए मालकिन, आज जरा देर हो गई। नहीं नहीं, माफी मांगने की क्या जरूरत है सुनहरी जी? भाई हमें तो आपका शुक्रगुजार होना चाहिए, राजपुरा की सबसे व्यस्त और भली औरत हैं आप, फिर भी आप आई, हमें तो आपको थैंक यू बोलना चाहिए। थैंक यू सुनहरी जी। जी मालकिन, वो आज मेरे पति उठे नहीं थे तो बच्ची को किसके पास छोड़ के आती, बस इसीलिए। मुझे तुम्हारे घर के नाटक में कोई दिलचस्पी नहीं है, बहुत देखे ऐसे नाटक टीवी पर, समझी? नाटक? ये क्या कह रहे हैं आप, ये तो घर घर की सच्चाई है। सुनहरी की 7 महीने की छोटी बच्ची है जिसे छोड़कर इसे यहाँ घर, और तुम इसी तरह देर से आती रही तो पैसे कटेंगे तुम्हारे, जितना काम उतने पैसे, साफ बात है। काम करना है या बच्चे पालने,
ये बात पहले सोचनी चाहिए थी। मेरे सामने ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। मैं पैसे काम करने के लिए देती हूँ, बच्चे पालने के लिए नहीं। अच्छा, इस बार इसे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ अब सुनहरी देर से नहीं आएगी। यही इसके लिए ठीक होगा। सरपंच जी, क्या है ये? चावल है। ये मुझे भी पता है कि ये चावल है, पर इसमें ये क्या है? ये चावल में पत्थर है, ये पत्थर में चावल है? तुम लोगों को बना के खिलाऊं ये? हम पर क्यों भड़कती है बहन जी? हम तो बस यहाँ सामान पहुँचाते हैं। सेठ जी से बात करो ना। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे सेठ से ही बात करूंगी।